हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजन कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आर एस ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के इस श्रेणी में हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 24x7 सर्विस चैनल शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगों की सहायता करने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए और इसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलाई जा रही हैं। तो ऐसा ही हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ निकोबार में लोगों को, निकोबार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोगों को 24x7 सर्विस चैनल के माध्यम से कोरोना से प्रभावित लोगों को और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस चैनल को शुरू किया गया है। चलते हैं आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार द्वारा किन देशों को गेहूं निर्यात किया जाएगा। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है और भारत गेहूँ का काफ़ी मात्रा में निर्यात भी करता है, क्योंकि भारत में गेहूं का जो उत्पादन है 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा होता है। इसलिए भारत विभिन्न देशों को अपना गेहूं निर्यात भी करता है। तो अभी भारत ने अफगानिस्तान और लेबनान जो देश हैं इनको गेहूं निर्यात करने का, 1,00,000 टन गेहूं निर्यात करेगा भारत, और इसके माध्यम से भारत इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे प्रभावित लोगों के लिए सहायता भी कर रहा है। इसी माध्यम में भारत वहाँ अफगानिस्तान और लेबनान देश में गेहूं निर्यात करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आँखों से लोगों, जो आँख से दृष्टिहीन होते हैं या बहुत कम देख पाते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की ब्रेल लिपि, जैसे ब्रेल लिपि होती है, वैसे ही एक ब्रेल लिपि पर आधारित कीबोर्ड बनाया गया है। और ये कीबोर्ड विश्व की अग्रणी कंपनी में से एक गूगल ने वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च किया है। और इस वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से जो ब्रेल लिपि होती है, जो आँख से दृष्टिहीन लोग होते हैं या जिनको बहुत कम दिखाई देता है, वो इसकी सहायता से गूगल पर जो उपलब्ध रहेगा और उसकी सहायता से ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं मोबाइल, इंटरनेट पर और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। जैसा हम देख लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में पूंजी लगाई है। यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है और यह मुनाफा मुख्यतः अपने विज्ञापन कार्यक्रम एडवर्टाइज कमाती है। जो गूगल है, जैसा कि आप जानते हैं, गूगल वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसी चीज़ को, है तो हम लोग साधारण भाषा में कह देते हैं कि गूगल कर लीजिए। और गूगल के बारे में और आगे चर्चा कर लेते हैं। जो गूगल के CEO हैं वर्तमान में सुंदर पिचई, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा CEO के रूप में जो उनको सैलरी मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, उसके मामले में वो नंबर एक पर हैं। और इस गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी मेलोफॉर्क कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका जो एक दूसरा संगठन इसने बनाया है, एक अल्फाबेट करके जो ऑनलाइन सेवा देता है, इसका वर्तमान में मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी कई कंपनियां हैं जो सहायक कंपनी है गूगल की, जैसे यूट्यूब है, गूगल ऑर्गेनाइजेशन है, नेस्ट लैब्स, यूट्यूब जैसे हम लोग देखते हैं गूगल पर, फेयरवेस और भी हैं। और जो गूगल को स्थापित किया था, जो संस्थापक हैं इसके, और जो संस्थापक हैं उनका नाम है लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गूगल संस्थापक के बारे में और वर्तमान में जो CEO हैं। तो आप लोग ये दोनों चीज़ें बहुत याद रखिए।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हैं, देख रहे हैं, गूगल के CEO सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक कब होगी? जैसा कि बर्ड आप देख रहे हैं, G20 बर्ड होता है, G20 मतलब जो डेवलप्ड 20 देश हैं उनका एक संगठन है, और इसकी प्रत्येक वर्ष G20 की बैठक होती है। तो इसी बैठक की कड़ी में वित्त मंत्रियों की जो बैठक होना है, और वित्त मंत्रियों की बैठक 15 अप्रैल को होगी, इसी 15 अप्रैल 2020 को इसी, और इसमें वर्तमान में कोरोना से पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की आर्थिक जो गतिविधियों में रुकावट गिरावट देखी गई है उसको लेकर के चर्चा होगी, और इसमें हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण, और हमारे देश के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और हम लोग देख लेते हैं RBI जिसकी चर्चा की, RBI के गवर्नर। तो RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के COVID-19 से परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के बनाने की घोषणा की है? जैसा कि COVID-19 से निपटने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आ रही हैं और वो विभिन्न प्रकार के रिसर्च कर रही हैं और उन पर लैब बनाने की घोषणा भी कर चुकी हैं और लैब पर कई कंपनियां काम भी कर रही हैं, तो उसी क्रम में जो COVID-19 है उससे रिलेटेड प्रयोगशाला बनाई है वो अमेजन ने बनाई है। जो अमेजन में काम करने वाले लोग हैं उनको जो उनका परीक्षण है वहीं किया जाएगा लैब में, और इसके बाद कोरोना से पीड़ित लोगों को या उनके द्वारा पाए गए संक्रमित व्यक्तियों की जांच की जाएगी और उनका उपचार किया जाएगा। देख लेते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन इसकी स्थापना 1994 को हुई। इसके संस्थापक वर्तमान में जेफ बेजोस हैं। अमेजन सीएटल वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो ई कॉमर्स, जानते हैं आप अमेजन ज़्यादातर ये जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन जो सामान डिलीवरी होती है, अमेजन आपने सुना होगा, बहुत विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी है, और एक कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है, मतलब तीन काम ज़्यादा मुख्यतः करती है जो अमेजन कंपनी है, ई कॉमर्स के क्षेत्र में, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। ये हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, जो वर्तमान में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और वर्तमान में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ अमेजन के संस्थापक भी। हाल ही में ADB द्वारा भारत को कितने रुपए देने का समर्थन किया गया है? जैसा कि बर्ड आप देख रहे हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट इसका जो फुल फॉर्म होगा, इसने भारत को मतलब पैसे की सहायता जो कोरोना वायरस से बचने के लिए एक राशि मुहैया कराने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस की वजह से जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही हैं इसके माध्यम से उसकी पूर्ति की जा सकती है, तो उसके लिए कुछ सहयोग राशि देने की घोषणा की है और $2.2 बिलियन। जैसा कि बर्ड लिखा बिलियन डॉलर लिखा रहा, तो बिलियन अमेरिकी डॉलर है ये, बिलियन 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, याद रखिए, ये काफ़ी समझ में थोड़ा जल्दी नहीं आता, लोग मिस हो जाते, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, याद रखिए। तो अभी ADB ने 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है भारत के लिए, और आगे आने वाले समय में यदि और भी होती है तो उसको बढ़ाने की भी उसने की है कि हम बढ़ा भी सकते हैं आगे जाके। देख लेते हैं ADB के बारे में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना
19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बस इसका स्थापना देखना है आपको, और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं मत्सुगु अस्काबा हैं, जो 17 जनवरी 2020 से इसके चीफ हैं, वर्तमान में इसके चीफ हैं। तो मत्सुगु अस्काबा इसके जो चीफ होते हैं, प्रमुख हैं, और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में। बस इतना एडीबी के बारे में आपको याद रखना है, फुल फॉर्म, मुख्यालय और प्रमुख, ये मेन तीन प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में रामकृष्ण द्विवेदी का निधन हुआ, अभी कौन थे? अभी हाल ही में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे रामकृष्ण द्विवेदी, जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे। ऑप्शन नंबर एक राजनेता थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये कांग्रेस से जुड़े थे। हाल ही में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी आपको, कि लॉकडाउन बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य, जैसा कि जानते हैं कि जो लॉकडाउन है वो 25 अप्रैल से प्रारंभ हुआ और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि है, लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि ख़त्म होने से पूर्व ही, जैसा कि पहला राज्य ओडिशा था जिसने घोषणा की थी कि वो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाएंगे, और उसके बाद दूसरा राज्य पंजाब जिसने घोषणा की है कि वो लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाएंगे, 15 दिन और बढ़ाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर एक 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और ये 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? 11 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 अप्रैल जो कस्तूरबा गांधी का जन्म दिवस होता है, और कस्तूरबा गांधी के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी, और इन्हीं के जन्म पर 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा सस्ते पीपीई विकसित किए गए हैं? जैसा कि जानते हैं, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो चिकित्सीय उपकरणों की, चिकित्सीय जो दवाएं हैं इनकी आवश्यकता है, तो इसके लिए नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। तो अभी भारत के एक संस्थान है, IIT संस्थान कानपुर ने 100 रुपये से भी कम दाम पर सस्ते पीपी पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, इसका पीपी का फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिए, पब्लिक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो व्यक्ति की सुरक्षित रखने के लिए जो औजार हैं वो जो होते हैं, जो चिकित्सीय उसमें यूज किए जाते हैं, उसका ये वर्ड है इस पीपी। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय, और पीपी मास्क वेंटिलेटर, ये तीन वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वर्तमान में, चौथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, तो इनको आप ज़रूर याद रखिए, पीपी का फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, बस आज के प्रश्नों में बस इतना ही। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हम रोज़ आते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।